Welcome to Time News Studios. You are watching 6 p.m. Bulletin. लंदन में मौजूद अगणे वजीर आजम नवाज शरीफ की ताजी मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा डॉक्टर्स नवाज शरीफ के सफर करण का रोके छो। रिपोर्ट में चे विवाहे त नवाज शरीफ एंजियोग्राफी बिना लंदन में वो तो संदस हालत खराब थी सके थी। नवाज शरीफ पैंजी दवा जारी रखे वॉक दौरान भी कोरोना का बचाव ला कदम कया वन एयरपोर्ट जड़न अवामी हंधन का पासो किया वे जहनी दबाव वधन सा सेहत खराब थी सके थी। हुकूमत नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट के जाली करार दे छो। सुद समाज के वफाकी वजीर फवाद चौधरी चवा है नवाज शरीफ बाबत दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट दिनी वही है। अमेरिका में वेठल डॉक्टर जरिए जाली रिपोर्ट मानी वही। उम्मीद त अदालत मेडिकल रिपोर्ट जो नोटिस वी। जाली रिपोर्ट जरिए पाकिस्तान जो मजाक उड़ाया पे वे। नवाज शरीफ लुटियल पैसों वापस कर भले लंदन में रहे। सिंध सरकार आईन तहत मकानी हुकूमतन जा माली इंतजामी सियासी इख्तियार यकीनी बनाए। हुकूमत बाख्तियार मकानी इदारा कायम करण बेहतर वर्किंग रिलेशंस रखण की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट सिंध सरकार की सूबाई मालियाती अवार्ड से अमल कदे मकानी इदारन के वेच जोगे पोल तहत फंड की फाहमी यकीनी बनाने जो हुक्म दे छो। मुतहद की दरख्वास्त जारी थियल फैसले में मकानी कानून की शिक 74 और 75 कलदम करार। हुकूमत के समूरा मकानी कानून आर्टिकल 140A से हम आहंग करण जो हुक्म। अदालत पैंजे फैसले में चवा है सूबाई मकानी हुकूमत के इख्तियार में तजाद है। ये शिकू तब्दील कई वन SBCA KDA मली डेवलपमेंट अथॉरिटी HDA जा कानून तब्दील कर आइन मौजब ठाण जो हुक्म। सेवण लाड़कानो डेवलपमेंट अथॉरिटीज के कानून में घुर्बल तरमीमू कर हिदायत। तकरीबन एक साल तीन महीने चार महीने पहले आखिरी हियरिंग हुई थी। आखिरी दिन भी है चीफ जस्टिस तो वो मुनासिब समझते होंगे। मैं नहीं इस पर कॉमेंट कर सकता। ये वही बात है कि मुझे पता है कि जी मैंने मेरा टर्म जो है वो एंड होगा 2023 और उसके आखिरी दिन में मैं ऐसे अहकाम करके जाऊँ जिसके फार रीचिंग इफेक्ट। लेकिन वो बाख्तियार है उनको बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा ख्याल है कि हमने 140A की पूरी पासदारी की है। हमने एम्पावर किया है प्राइम मिनिस्टर के पावर, कौमी असम्बली के पावर, सूबाई असेंबली के पावर, चीफ मिनिस्टर के पावर, सूबाई काबीना के पावर, फेडरल काबीना के पावर, लोकल काउंसिल्स को दी जाए तो बाकी सारे घर बैठ गए। मुतहदा की दरख्वास्त आखिरी बुधनी अटकल एक साल अग थी हुई। चीफ जस्टिस मुलाजम के आखिरी डी फैसलो दियण मुनासिब समझो हों। यो है तो मुझे मुद्दे जो आखिरी डी है तो को अड़ो फैसलो क्या जैजा दूरस नतीजा निकरन। वडे वजीर मुराद अली शाह मकानी इख्तियार बाबत फैसले से रद्द अमल जाहिर करने चवा है तो असा आइन के आर्टिकल 140A की पासदारी कई है। फैसले में का गाल गैर मुनासिब लगे तो नजरसानी जो ऑप्शन मौजूद है। काबीना वजीर आजम वडे वजीर असेंबलीज का इख्तियार लोकल काउंसिल्स के दूँ तो घर वे ही रहन। इस्लामाबाद में मीडिया से गालहाइंदे वडे वजीर तो वजीर आजम के चीन वाले दौरे लाए रुथियल मनसूबन से एतराज़ है। रुगो KP ए पंजाब जो रिथाऊँ शामिल हैं। सिंध संदन नक्शे में ही ना है। सुप्रीम कोर्ट मकानी इख्तियार तारीखी फैसलो दिनों है। अदालती फैसले पाकिस्तान के अवाम के सब कुछ दई छो। मुतहदा पाकिस्तान के अगवान खालिद मकबूल सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुशी जाहिर करने चवा है। जेके भी नवा मेयर जींदा अदालती फैसलो उन्हें तोहफो है। सिंध सरकार की जिम्मेवारी है तो अदालती फैसले से मुकम्मल तौर अमल करें। हुकूमत के अपील क्यों था तो फैसले अगया न अचे। जजिस की जात से तनकीद गैर आइनी गैर कानूनी गैर अखलाकी है। इन का अग जो अदलिया नोटिस वे बार्स जजिस से तनकीद खिलाफ पैं किरदार अदा कन। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो फुल कोर्ट के खिताब दौरान पॉलिसी बयान। नामजद चीफ जस्टिस चवा है अदालत के जिते भी जरूरत महसूस थे तो किरदार अदा कंदी। जजिस पैंजी इसलाह कहन उन कर ही जस्टिस काजी फायज केस में अकलियत अक्सरियत में तब्दील की वही। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस ता हयात ना अहली खिलाफ दरख्वास्त एतराज़ लगाए वापस कर छी। रजिस्ट्रार तरफा सुप्रीम कोर्ट बार के दरख्वास्त 8 एतराज़ मारिया वया।
एतराज़न में चयो वियो आहे त दरख़्वास्त गुज़ार 184-3 तहत इनफ़रादी रिलीफ घुरियो आहे जेको सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले जे उबतड़ आहे। 184-3 जे इख़्तियारनि ते ॿुधणी बाबति उथारियल नुक़्ता बे इत्मिनान जोगा न आहिनि। सुप्रीम कोर्ट बार तरफ़ां रजिस्ट्रार जे एतराज़न ख़िलाफ़ अपील दाख़िल करण जो फ़ैसिलो। सुप्रीम कोर्ट बार चोर डोहारी ऐं लंडन वियल शख़्स लाइ अदालत हली वई। उहे अदालत खे चवनि था त खेसि हिकु ॿियो मौक़ो ॾियणु घुरिजे त ॿीहर रांदि खेॾे। पोइ चोरी में कहिड़ी ख़राबी आहे? वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तां हयात नाअहली बाबति सुप्रीम कोर्ट बार जी दरख़्वास्त जी मुख़ालफ़त कंदे चयो आहे त चोरी में बुराई न आहे त ग़रीबनि वीचारनि खे जेलनि में बंदि छो कयो वियो आहे। सुप्रीम कोर्ट बार ॿी दरख़्वास्त ॾिए त पाकिस्तान में जेल खोलिया वञनि। टे भेरा वज़ीर आज़म रहंदड़ खां पुछो त संदसि ॿारनि वटि अरबे रुपया किथां आया। नवाज़ शरीफ जा ॿई पुट लंडन में अरबे रुपयनि जी मिल्कियतुनि में वेठा आहिनि। असां मैदान ते लहंदासीं त हुकुमरान भॼी वेंदा। हुकुमराननि जो अंजाम बि अशरफ गनी जहिड़ो थींदो। पीडीएम सरबराह मौलाना फज़ल रहमान चमन में कन्वेंशन खे ख़िताब कंदे चयो आहे त पीटीआई हुकूमत मुल्क जो रिवालो कढी छॾियो, पाकिस्तान खे कमज़ोर करे ग़ुलामी ॾांहुं धिके पियो वञे। हीउ मुल्क असांजो आहे ऐं असां उनजो दिफ़ा कंदासीं। कंहिंखां वफ़ादारी जो सर्टिफिकेट वठण जी ज़रूरत न आहे। बातिल हुकूमत सां को बि ठाह न थींदो। मौजूदा हुकूमत रुगो जाइज़ न पर इंतिहाई नाअहल आहे। असांखे हर सूरत में मौजूदा सूरतहाल मां निकिरणो आहे। और आप खुद सेनेटर दिलावर साहब को और इंडिपेंडेंट मेंबरान से रुजू करते हैं, उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं, खुद गैर हाजिर हो जाते हैं। ये उकता हल नहीं हो रहा। पूरी कौम शशोपंज में है कि माजरा क्या है। हाय हाय जी जी, कितने परेशान हो रहे हैं। अगर मेरे देखने से इनको शर्म आए मैं पर्दा कर लेता हूं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था? क्या उनके साथ हाथ नहीं किया गया? अक्सरियत नून की है और ये कायदे हिज़्बे खिलाफ बन जाते हैं। नून के साथ तब भी हाथ हुआ, जुमे को भी हाथ हुआ और नून के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। और भी वजाहत कर दूंगा। ये लंबी खेल है, फिक्र ना करें। एक दूसरे को पुराना जानते हैं। इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था। हाथी के दांत दिखाने के और है, चबाने के और है। द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज अ कॉम्प्रोमाइज लीडर, डोंट रिलाय ऑन हिम। एक बिका हुआ लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज पर्सनल नॉलेज इस तरह एक्सपेंस कर देंगे। शाह महमूद कुरैशी यूसुफ रज़ा गीलानी खे विकाउ अपोजिशन लीडर करार ॾेई छॾियो। सेनेट इजलास में ख़िताब दौरान परॾेही वज़ीर जा अपोजिशन लीडर ते तनक़ीदी वार। शाह महमूद कुरैशी चयो आहे त यूसुफ रज़ा गीलानी इस्तीफ़ा जो ड्रामो कयो आहे। हू इस्तीफ़ा न ॾींदो ऐं उहिदे सां चिंबड़ियल रहंदो। हाथी जा ॾंद ॾेखारण जा हिकिड़ा ऐं खाइण जा ॿिया हूंदा आहिनि। समूरे ऐवान खे चवां थो त मथस एतबार नथो करे सघिजे। गीलानी ॿियनि खे त सेनेट में घुरायो पर पाण न आयो। आवाम ऐं अपोज़िशन संदसि वज़ाहत मां मुतमिन न आहिनि। नवाज़ लीग वटि अक्सरियत हुजण बावजूद गीलानी ऑपोज़िशन लीडर कीअं थियो? नवाज़ लीग सां तॾहिं धक थियो ऐं स्टेट बैंक बिल जी मंज़ूरी दौरान बि धक थियो। अॻिते बि साणनि धक थियण वारो आहे। सेनेट में शाह महमूद कुरैशी जी गीलानी ते तनक़ीद दौरान पीपल्स पार्टी सेनेटर जो सीट्स तां उथी एहतजाज ऐं गोड़। पीपी सेनेटर ताज हैदर सेनेट में ख़िताब दौरान चयो त ऑपोज़िशन लीडर जे किरदार ख़ुशी जी मज़म्मत कयूं था। पार्टी जी क़यादत ऐं कारकुननि जो मथस एतमाद आहे। यूसुफ रज़ा गीलानी चयो आहे त शाह महमूद कुरैशी मूंखे रूल्स सेखारण आयो हो। सुभाणे सेनेट में खेसि जवाबु ॾींदुसि। असां परॾेही वज़ीर खे ॻाल्हाइण ॾिनो। ऐवान मां हलिया वञूं हा त कंहिंखे ख़िताब करे हा। जॾहिं आऊं स्पीकर हुअसि त कुरैशी पार्लिमानी लीडर हो। शहीद बेनज़ीर मूंखे चयो हो त कुरैशी खे कुझु सेखारियो। के पी जे मकानी चूंडुनि दौरान बदमनी जे केस में सूबाई वज़ीर शाह मोहम्मद 5 सालनि लाइ नाअहल। इलेक्शन कमीशन केस ते अहम फ़ैसिलो जारी कंदे मकानी चूंडुनि में बदमनी जो ज़िमेवार शाह मोहम्मद खे करार ॾेई छॾियो। सूबाई वज़ीर जो पुटु मामू रशीद बि इलेक्शन विढ़ण लाइ नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन शाह मोहम्मद खे डी नोटिफाई कंदे चयो त एम पी ए
बकाखेल के पोलिंग स्टेशन से हमले में मुलविस हो। सुधीर चवंदो आहे हेॾे ज़मीन ते पेर जंग न हूंदा। चीफ जस्टिस साहब, मां तोखे हर सबदी अदु करां थो, मां ग़रीब जो इक़्तदार कर, मां ग़रीब इंसाफ़ ॾे। साईं साधराम जिथे जेको आहे सो मौजूदु हुयो, उते फायरिंग थी आहे, उते ई दहशतगर्दी थी आहे। सिंधी हिंदुनि सां गॾु आहियूं, उन्हनि जो हर मुमकिन तहफ़ुज़ कंदासीं। कतल खे लोढ़ियो वेंदो, सतल कुमार जा कातिल जेके आहिनि फौरी तौर ते गिरफ़्तार थियनि। डहरके में हिंदुनि जे रूहानी पेशवा साधराम साहब जी मौजूदगी में वापारी सदन कुमार जे कतुल खिलाफ़ वारसन, सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि ऐं शहरनि जो क़ौमी शाहराह ते धरणो। मचरियल माण्हुनि टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक करे छॾियो। डीसी ऐं SSP घोटकी धरणे वारे हंधि ॻाल्हियूं ख़तमु करायूं। मुज़ाहिरीन पारां 2 ॾींहनि अंदरि कातिलनि खे गिरफ़्तार करण जी मोहलत। हिंदू पंचायत जे सर ते डहरके में शटरबंद हड़ताल, बाज़ारूं ऐं दुकान बंदि रखिया विया। साईं साधराम जिथे जेको आहे सो मौजूदु हुयो, उते फायरिंग थी आहे, उते ई दहशतगर्दी थी आहे। सिंधी हिंदुनि सां गॾु आहियूं, उन्हनि जो हर मुमकिन तहफ़ुज़ कंदासीं। कतल खे लोढ़ियो वेंदो, सतल कुमार जा कातिल जेके आहिनि फौरी तौर ते गिरफ़्तार थियनि। डहरकी में कतल थियल सेठ सतन कुमार 2 साल अॻु ज़मीन ते कब्ज़ो कंदड़ बासरनि खे ललकारींदे हमले में ज़ख़्मी बि थियो हो। सेठ सतन कुमार जी 2 साल पुराणी वीडियो मंज़रियाम ते अची वई। वीडियो में सतन कुमार कातिलाणो हमिलो कंदड़ जवाबदारनि जा नाला बि ॿुधाया हुआ। पुलिस वीडियो में सतन कुमार पारां ॿुधायल जवाबदारनि खे हिरासत में वठी छॾियो। थर में सरहद पार करे आयल भारतीय शहरी शबीर अहमद दर्ज खे 2 साल क़ैद ऐं 500 रुपया ॾंड जी सज़ा। मिठी जी अदालत भारतीय शहरी खे सज़ा पूरी थियण बाद डिपोर्ट करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। भारतीय नौजवान शबीर अहमद दर्ज 3 महीना अॻु ग़ैर क़ानूनी तौरु सरहद पार करे आयो हो। खेसर थाणे जी पुलिस खेसि गिरफ़्तार करण बाद केस दाख़िल कयो हो। चरी मारी माइटन वारी अला मारी मारिस तुंहिंजे मीहण मारी मारिस। छठे जी भलोड़ लोक फनकारा माई सुखा मुफलसी जे वर चढ़ी वई। 90 वरियनि जी माई सुखा जो आवाज़ अञा पोड़ो न थी सघियो। टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे माई सुखा चयो आहे त ॾाढा ॾुखिया ॾींहं घारे रहिया आहियूं। माई सुखा तरफ़ां सिंध सरकार खे वाहुर जी अपील। ऐं नामियारे अदाकार ऐं आर्टिस्ट नूर मोहम्मद लाशारी जे विछोड़े खे 25 साल विहामी विया। नूर मोहम्मद लाशारी 300 खां वधीक ड्रामनि में अदाकारी जा जोहर ॾेखारिया हुआ। फन जी दुनिया में बहितरीन कारकर्दगी ते खे सदारती अवार्ड सां बि नवाज़ियो वियो हो। मदाहन तरफ़ां नूर मोहम्मद लाशारी खे भेटा पेश। नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आउं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइन सां वठी ॾियूं तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।